जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे दैनिक राशिफल की। दैनिक राशिफल में आपकी राशि के आज के राशिफल की चर्चा करेंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून शाइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, आज का राशिफल जान लेते हैं। मित्रों, आज आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। आपको अचानक ये लगने लगेगा कि जीवन में परिवार और करियर में संतुलन बनाना काफी आसान हो गया है। आपकी सारी हिचकिचाहट दूर हो जाएगी और आपके सब कामों में नया आत्मविश्वास दिखाई देगा। आज दोपहर बाद लाभदायक स्थितियां बनेंगी। परिवार के किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण सलाह मिलेगी जो कि फायदेमंद रहेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका रुझान बढ़ने से आपकी सोच भी सकारात्मक और संतुलित होगी। खर्चों की अधिकता रहेगी परंतु साथ ही आय के साधन भी प्रशस्त होंगे, इसलिए चिंता ना करें, अपनी योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करें। ज्यादा सोच विचार करने से उपलब्धियां हाथ से निकल भी सकती हैं। पब्लिक रिलेशन आपके लिए व्यापार संबंधी नए स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं। कार्य में मिली सफलता आपको यात्रा का मौका दे सकती है। पिता जैसा कोई व्यक्ति या आपका बॉस या अन्य कोई आपको यात्रा में कंपनी देंगे। कुछ जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है लेकिन नई संभावनाओं का मजा लें। आपके विश्वासों को चुनौती दी जा सकती है और सुधारा भी जा सकता है। आज आप सभी नए अवसरों को पाने के लिए तैयार रहेंगे। नए और बड़े लक्ष्य पाने के लिए आत्मविश्वास के साथ मेहनत करेंगे। आज के दिन आपको थोड़ा संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यवसाय में हाथ आए अनुबंध निरस्त होने से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है या कोई व्यापारिक डील टूटने से भी आपका मन खराब हो सकता है। जो लोग व्यापारी हैं, आज के दिन कोई भी जरूरी निर्णय सोच समझ कर लें। आगे चलकर ये निर्णय गलत साबित हो सकते हैं, इसलिए सोच विचार कर ही अपने निर्णय लें। जिन लोगों का व्यापार कारोबार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उनको आज अच्छा मुनाफा हो सकता है। नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारियों पर काम को लेकर अधिक जिम्मेदारी देखी जाएगी। आज कई कार्य क्षेत्र के सुनहरे अवसर आपका दरवाजा खटखटा सकते हैं। नौकरी क्षेत्र में बदलाव के भी आसार हैं जिसके लिए आप काफी समय से प्रयासरत थे। किसी ऐसी जगह से सहायता मिल सकती है जिस जगह से आपने कल्पना भी नहीं की थी। आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली होगा और आज आपकी आमदनी में इजाफा भी होगा। व्यापारियों को कारोबार में आशा के अनुरूप सफलता प्राप्त होने से खुशी का माहौल रहेगा। किसी नए व्यापार को शुरू कर सकते हैं। वहीं नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज कहीं से शुभ अवसरों का आगमन हो सकता है। आत्मविश्वास से आगे बढ़ें तो आपका कामकाज बेहतर बना रहेगा। निवेश पर जोर दे सकते हैं लेकिन निवेश सोच विचार कर करें। अगर आप नहीं जानते हैं कि कहां पर निवेश करना है तो विशेषज्ञों की राय लेकर करें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको अपने सहयोगियों की आज आर्थिक रूप से भी मदद करनी पड़ सकती है। पारिवारिक सदस्यों के साथ घर में सुख शांति से दिन व्यतीत करेंगे। आज अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखें और आज जो लोग सिंगल हैं उनकी किसी भी साथी से मुलाकात हो सकती है। आज किसी पुरानी गलती अथवा पुराने विवाद के उभरने से परिवार में थोड़ा अशांति का माहौल रह सकता है और आपके मान सम्मान में भी कमी देखने को मिल सकती है। आज आपके लिए करियर में परिवर्तन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ खुद के लिए समय निकालना ना भूलें। आपकी सफलता और समृद्धि में आपके अधिकारी भी यानी आपके बॉस भी आपका सहयोग करेंगे। आज आप अच्छे भाग्य और समय का आनंद लेंगे। कड़ी मेहनत और बेहतर धारणा दोनों आपके काम और व्यापार को नया अर्थ देने में मदद कर सकते हैं। आपको उन्नति के अन्य कई मौके मिल सकते हैं। आप आज नए ग्राहकों या कारोबार की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जिन लोगों ने कहीं निवेश किया था आज उन्हें उस निवेश से फायदा होने की पूरी संभावना है। परिवार के सदस्यों की जरूरतों को ध्यान दें, उनके सुख दुख के भागीदार बनें ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखते हैं। आज कोई भी निर्णय लेने से पहले सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी के साथ भी गलतफहमी हो सकती है।
आपकी शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा सा आपके मन को परेशान कर सकता है। परिवार में मतभेद और मनमुटाव हो सकता है। आपको परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलने पर निराशा का अनुभव हो सकता है। खर्च अधिक होने की संभावना है। आज आपको प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना थोड़ी सी संघर्ष के बाद ही दिख रही है। इन प्रयासों में आपका समय बर्बाद हो सकता है। असफलता मिलने से आप मानसिक तनाव अनुभव कर सकते हैं और कोई दीर्घकालिक योजनाओं में थोड़ा सा आपके गति आएगी, यानी लंबी योजनाएं आपकी तेजी से चल सकती हैं। निवेश कार्यों में रुचि लेंगे, रिश्ते निभाएंगे, विवादों से बचें, कारोबार सामान्य रहेगा, लापरवाही से बचें, लेन देन में थोड़ा सा ध्यान रखें और धैर्य के साथ काम लें। धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। आपने जो चाहा था वो आपको मिलेगा। आज अपनी शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा बनाए रखें ताकि आप मेहनत कर जल्द से जल्द अपने महत्वपूर्ण काम को पूरा कर लें। छात्रों के लिए आज का दिन ठीक है। कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना बन रही है। कुछ लोगों को पदोन्नति या आर्थिक मुनाफा हो सकता है। जो लोग नौकरी में हैं उनको पदोन्नति या कोई लाभ नौकरी से मिल सकता है। जो व्यापार में हैं उनको उससे लाभ मिल सकता है। आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर हैं। आज आप अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखें। पार्टनर से मुलाकात हो सकती है, जैसा मैंने पहले बोला है, और सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। पार्टनर को लेकर किसी के साथ विवाद हो सकता है। प्रेम संबंधों में किसी तरह का कोई बड़ा फैसला ना लें। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। बजट बनाकर चलें। खर्च और निवेश बढ़ेंगे। कामकाज में प्रभावी बने रहेंगे। प्रबंधन सहयोगी रहेगा। अवसरों को भुनाएंगे। अपनों की सलाह से चलें। रूटीन बेहतर रखें। आपका उत्साह आज चरम सीमा पर है, जहां आप अपने पति पत्नी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। प्रेम संबंधों में मिठास भरने के लिए कहीं आप थोड़ा बहुत घूमने का प्लान कर सकते हैं, यानी लंबी दूरी की यात्रा का प्लान भी कर सकते हैं। और रोमांटिक संबंधों में नई उत्तेजना और अवसरों का योग है। आज आप अपने प्रियजनों और दोस्तों के साथ कुछ यादगार पल बिता सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। सभी संबंधों में सहज रहेंगे, रिश्ते बनाए रखेंगे। प्रेम के मामलों में जल्दबाजी से बचें। मित्र संबंध मजबूत रहेंगे, यानी मित्रता मजबूत रहेगी, यानी दोस्तों से संबंध आज के दिन मजबूत रहेंगे। समय का थोड़ा प्रबंधन रखें। आप आज ऊर्जा से भरे रहेंगे। आपके आकर्षण और कुशलता से आज घर ऑफिस में सभी लोग प्रभावित रहेंगे। दिन शांत और तनाव रहित रहेगा। आज अच्छा लाभ होने की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन अपने खरीदारी से खर्चों पर भी नजर रखें। खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आज आमदनी में बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन खर्चों पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक है। मन प्रसन्न रहेगा। व्यापारी वर्ग को कारोबार में आशा के अनुरूप फायदा होने वाला है। किसी नए व्यापार को शुरू कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे अवसर मिलेंगे। कामकाज बेहतर बना रहेगा। निवेश पर जोर दे सकते हैं और आप किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और आज के दिन भी तैयार रहेंगे। प्रशासनिक मामलों में धैर्य रखें। आज आप नए कार्य की शुरुआत या उसकी योजना बना सकेंगे। नौकरी या व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ घर में सुख शांति से दिन व्यतीत करेंगे। अगर आपने कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है तो उस मोर्चे पर आज अच्छी खबर आपको मिल सकती है। पार्टनर से आपको प्यार मिलेगा। पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी। आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। सेहत और ऊर्जा दोनों ही आपके मजबूत हैं। आप सब काम निश्चित समय में बिना किसी परेशानी के पूरा कर लेंगे। आपकी शारीरिक फिटनेस जीवन के सभी क्षेत्रों में दिखाई देगी, क्योंकि आप सकारात्मक ऊर्जा और विचारों से भरे हुए हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आज का दिन कोई नया स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम शुरू करने के लिए अच्छा है। अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अच्छी मानसिक सेहत के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। योग में हिस्सा लें और आपके लिए यही अच्छा रहेगा। रिलैक्स करने वाली तकनीक मेडिटेशन वगैरह अपनाएं। आज मेहनत अधिक हो जाने की वजह से शरीर में थोड़ा सा आपको दर्द या तनाव वगैरह या किसी नस वगैरह के खिंचाव संबंधी कोई समस्याएं हो सकती हैं। जो लोग बीमार हैं अपनी दवा एवं परहेज को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें। तो मित्रों, आज मैंने आपसे आपकी राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर दशा।
और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।